होता है कि अप टू द 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है थोड़ा सा एयर को वार्म कर सकते हैं ये ब्लड कैपिलरीज। इसी तरह से हम थोड़ी लस्टेशन देखी, नेक्स्ट जो हमने लस्टेशन भी देखी थी, जिस तरह से जैसे बोथ द नास्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है और ये ग्रीन कलर की लाइक जो पॉइंट नजर आ रही है ये म्यूकस है। इसी तरह से म्यूकस रिलीज्ड फ्रॉम द सेल्स यूज टू ट्रैप डर्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करने में ये म्यूकस का रोल होता है। इसी तरह से सीलिया सेल्स जैसे एक ऐसे सेल्स है जिनकी लाइनिंग में जैसे सीलिया मौजूद है विद टाइनी हेयर्स म्यूकस आउट ऑफ यूर लंग्स। इसी तरह से जो है इनकी बीटिंग की वजह से जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजन वगैरह थे जिनको ट्रैप जैसे म्यूकस ने किया था उसको जो है रिमूव करने के लिए ये सीलिया यूज होते हैं। ठीक है, बोथ नास्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज से उन दोनों के अंदर जैसे सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस प्रोड्यूस करना, सीलिएटेड लफ्ज जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है हैविंग सीलिया, जिसका मतलब है कि जिसमें सीलिया मौजूद है। जैसे आपको पता है जैसे फर्स्ट ईयर में फाइलम प्रोटोजोआ के हवाले से आपने जैसे सीलिएट क्लासीलिएट पढ़ी है, हैविंग सीलिया जैसे पैरामेशन के लाइक बॉडी के ऊपर एंटायर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, तो ये इसे सीलिएटेड। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फेरिंक्स, एंड फेरिंक्स इज फूड शेप पैसेज वे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। जैसे आपको पता है कि जो फेरिंक्स है कि कॉमन फॉर ईयर, ईयर भी जैसे उसके इसमें आती है और कॉमन फॉर फूड जो च्यूड फूड होता है बोलस है, दोनों जो आगे फेरिंक्स के अंदर इंटर होते हैं। फेरिंक्स के बाद आगे आपको पता है कि दो अलग अलग पैसेज वेज है, अलग अलग पैसेज वे स्पून से एक तरफ से जैसे ट्रेकिया विंड पाइप है और दूसरे तरफ से इसोफेगस है, तो इसोफेगस के जरिए फूड भी पास होगा और ट्रेकिया उसके जरिए ओनली एंड ओनली एयर और इसके अंदर जो है फूड पास होता है। बट फेरिंक्स एक ऐसी पॉइंट है दैट इज कॉमन फॉर फूड एज वेल एज एयर, फूड और एयर दोनों के लिए जो कॉमन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स पैसेज वे लीडिंग टू ओरल एंड नेजल कैविटीज। ओरल रेफर्स टू माउथ और नेजल कैविटी जैसे आपको पता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और देन नेजल कैविटी और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद देन जो फेरिंक्स का पार्ट आता है। यानी ये जो नेजल कैविटी से भी एयर जैसे अल्टीमेटली यहाँ से जो फेरिंक्स में आई और ओरल कैविटी यानी माउथ से जैसे आगे जो है च्यूड फूड भी जैसे इस फेरिंक्स पार्ट तक आता है। आगे जैसे आप देखिए लीड्स टू आगे कहाँ जाते हैं, आगे किस तरह से साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन लैरिंग्स। इसी तरह से ये जस्ट इंट्रो है कि लाइक फेरिंक्स है क्या, कौन शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ से आ गया, जैसे नेजल कैविटीज से जो आगे लीड नेजल कैविटी से फेरिंक्स पार्ट तक, इसी तरह से कैविटी से भी फेरिंक्स ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी टू इसोफेगस एंड लैरिंक्स पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम जैसे जीआईटी के पार्ट से के माउथ ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक पार्ट, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद टर्मिनल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज एनस। बट अगर हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें उनकी अगर ऐसे पाथ को देखें तब भी जैसे बीच में फेरिंक्स पार्ट जरूर आता है, कैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स नेजल कैविटी इंटरनल नॉस्ट्रल्स देन फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ब्रांकाय के बाद ब्रांकियोल्स और देन फाइनली अल्वियोलाय। तो यानी दोनों सिस्टम का ये पार्ट हुआ, फेरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और
इसकी जो थ्री सेक्शंस है ह्यूमन के हवाले से, इसमें थ्री सेक्शन है, कौन से? नेजो फेरिक्स, जहां भी नेजो लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये नेजो, जैसे नेजल कैविटी या नोज उसको रेफर करता है, ओरो, ओरो रेफर्स टू ओरल कैविटी उसको शो करता है, लैरिंगो, लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंग्स, यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी से रिलेटेड है, फेरिंग्स का वो पार्ट जो माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी से रिलेटेड है, फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स से रिलेटेड है। तो इस तरह से तीन सेक्शन होते हैं और बायोलॉजिकल मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है ना उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे आप टर्म को देखें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टर्म किसको रेफर कर रहा है, जैसे नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगो लैरिंग्स को शो करता है, नेजो नेजल कैविटी को, ओरो ओरल कैविटी को शो करता है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि ये तीनों पार्ट इनकी लाइक तीनों जो सेक्शंस हैं इनकी लोकेशन क्या है, किस तरह से ये थ्री सेक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले जैसे नेजोफेरिंक्स, नेजो रेफर्स टू जैसे नेजल कैविटी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे आपको छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सटर्नल लास्टल्स है और देन जो है ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के पास जो है उसके साथ जो लिंक्ड है फेरिंग्स का पार्ट उसे हम कहेंगे नेजोफेरिंक्स, उसे हम कहेंगे नेजोफेरिंक्स। इसी तरह से ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से जो पार्ट रिलेटेड है ये जैसे ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है ये ओरोफेरिंक्स है। इसी तरह से तीसरा पार्ट जो है यकीनन जो लैरिंग्स पार्ट से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे लैरिंग्स पार्ट से रिलेटेड होगा उसे हम कहेंगे लैरिंगोफेरिंक्स। तो नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिंक्स, बिकॉज फेरिंक्स के जैसे थ्री सेक्शन हुए, जो एक जैसे नेजल कैविटी से तो नेजोफेरिंक्स, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंक्स और आगे नेक्स्ट जो लीड करता है फेरिंक्स, जैसे आपको बताया कि हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से देखें तो यकीनन आगे जो है फेरिंक्स के बाद लैरिंग्स रीजन आता है, तो उस सेक्शन को हम कहेंगे लैरिंगोफेरिंक्स, दैट सेक्शन इज कॉल्ड द लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, होपफुली आपने ये थ्री सेक्शन को समझ लिया होगा कि किस तरह से ये थ्री सेक्शन है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आते हैं और यहाँ भी एक चीज थोड़ी सी आप नोट कर लें क्योंकि नेक्स्ट इसकी हेडिंग आने वाली है एपिगिलाटिस, एपिगिलाटिस, ये जो एक फ्लैप है कार्टिलेज का फ्लैप है दैट इज कॉल्ड एपिगिलाटिस, इससे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज को हम कहेंगे एपिगिलाटिस कहेंगे। ठीक है, ये एपिगिलाटिस सेक्शन को आप नोट करेंगे, एपिगिलाटिस जैसे कहाँ पे होता है, एपिगिलाटिस एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, हमेशा रेज्ड होता है, एलिवेटेड कंडीशन पे होता है तो हम जो है ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, और इसी तरह से जब ये डाउन हो जाता है तो गिलाटिस ओपनिंग को ये क्लोज कर देता है, तो उस वक्त गिलाटिस ओपनिंग जब क्लोज होती है जरूरी होती है, क्यों? जब भी हम कोई चीज सवालों करते हैं, सवाल भी एक्शन करते हैं, या कोई हम पानी पीते हैं, लिक्विड इंटेक करते हैं या फूड इंटेक करते हैं, तो उस वक्त जो है ये लाइक लैरिंग पार्ट है, लैरिंग सेक्शन जिसमें जैसे दो वोकल है और उनके दरमियान जो स्पेस बनेगा गिलाटिस के, क्योंकि गिलाटिस ओपनिंग होता है, ओपनिंग होता है जिसके जरिए जैसे इसको क्लोज करने का काम ये कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसका नेम होता है एपिगिलाटिस। एपिगिलाटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप है जो गिलाटिस ओपनिंग होता है, जैसे यहाँ पे हम नोट करते हैं कि गिलाटिस क्या है, गिलाटिस इज जस्ट ओपनिंग है, दैट लीड्स इनटू ओपनिंग की मीनिंग होती है सुराख, लीड्स इनटू ये आगे जो ट्रेकिया और विंड पाइप में जाता है और इसके जरिए ट्रेकिया और विंड पाइप में जैसे एयर जाती है दाखिल होती है, और गिलाटिस क्या है, नथिंग बट दो वोकल कार्ड्स है, जो दो वोकल कार्ड ये वोकल कार्ड जो है इनके दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज गिलाटिस, इस स्पेस को हम कहेंगे गिलाटिस सेंसेशन। देखते हैं और इसको करने के लिए एक फ्लैप है लीफ लाइक लीफ शेप की एक फ्लैप है, जब इनको क्लोज कर देता है तो एयर जो है एयर ट्यूब जो है वो किरण अब एयर पास नहीं हो सकेगी एयर ट्यूब के अंदर ट्रेकिया के अंदर, और देन फूड को एक रास्ता मिलेगा कि फेरिंग्स से इसके डस्ट जाए, अदरवाइज
और ये जो है एपिगिलाटिस से एलिवेटेड पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, कि जो है गिलाटिस ओपन रहे, चाहे भले हम सोए हो कुछ भी हो, बट ये जो है गिलाटिस ओपन रहे ताकि एयर जो है मुसलसल जो है ट्रेकिया और विंड पाइप में जाती रहे, एयर ट्रेकिया और विंड में जाती रहे, उससे क्या होता है कि गिलाटिस जो है एलिवेटेड पोजीशन सबलक्शन होती है, तो उस वजह से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे है पाल्विक एक्शन की वजह से ये जो है डाउन हो जाता है, तो फिर गिलाटिस क्लोज हो जाती है, गिलाटिस क्लोज होने की वजह से एयर एयर ट्यूब में फर्दर पास नहीं होती। तो आगे इलस्ट्रेशन में स्टेशन में आगे नेक्स्ट आते हैं गिलाटिस मिशन, जैसे यकीनन किस तरह को किस तरह हमने पढ़ा ये लहरे को फेरे का रीजन है, इसमें एक फ्लैप आप काटी लीजिए जिसे हम कहेंगे एपिगिलाटिस कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पे होंगे किरण जो ट्रेकिया और विंड पाइप है ये फ्रंट पे और उसके बैक साइड पे जैसे ये इसोफेगस मौजूद है, और इसी तरह से एक बड़ी प्रोमिनेंस एक रीजन के अंदर निकली हुई एक लाइक कार्टिलेज होता है, इसे कहते हैं थायरॉयड कार्टिलेज, ये जो बड़ा कार्टिलेज है इसके अंदर में इस कार्टिलेज को कहते हैं थायरॉयड कार्टिलेज। उसके बाद जैसे एक लीफ लाइक इस तरह एपिगिलाटिस, इसे हम कहते हैं एपिगिलाटिस, ऐसे नजर लाइक जो फ्रंट साइड फ्रंट व्यू है, और इसका काम होता है जैसे ये एयर है एयर वे है, इसको हमेशा जब ये एलिवेटेड होता है तो ये जैसे रेस होता है और एयर जो है एयर में इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए ये एपिगिलाटिस है, जैसे आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन एक नजर आ रही है एपिगिलाटिस है, और आगे जैसे यकीन आगे लैरिक्स या वॉइस बॉक्स है जिसकी ये ओपनिंग हमेशा ओपन होती है, तो ये लैरिक्स है ओपनिंग है वॉइस बॉक्स जैसे, तो यकीन इस लैरिक्स का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड गिलाटिस, ओपनिंग को हम कहते हैं गिलाटिस। गिलाटिस कैसे बनता है, जैसे दो वोकल कार्ड्स है उनके दरमियान स्पेस और गैप है, दिस इज कॉल्ड गिलाटिस, और एक उसके ऊपर कार्टिलेज का फ्लैप होता है, दिस कार्टिलेज गिलाटिस, उसे हम कहते हैं गिलाटिस हो गया। अगर एपिगिलाटिस होगा तो ये गिलाटिस क्लोज हो जाती है, तो ये गिलाटिस क्लोज हो जाती है, ऐसे जो है खुद ब खुद एक ऑटोनॉमस मैकेनिज्म होती है, जब भी सवाल्विंग एक्शन होता है तो एक सवाल्विंग एक्शन होता है, तो उस वक्त गिलाटिस जो होती है इस वजह से एयर बेस से क्लोज होती है। आगे एक और भी इलस्ट्रेशन है, कोशिश करेंगे कि आप यकीन थोड़े से सीख जाए। उसके बाद जैसे लोअर रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर जैसे ट्रेकिया है ब्रोंका है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके जो अबव के जो पार्ट थे उसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमने आपको याद हो हमने शुरू में पहली डाइग्राम पार्ट है, तो इसे इलार्जमेंट को हम कहते हैं थोड़े से ये ट्रेकिया और विंड पाइप, और इसके टॉप पे जैसे एक थोड़ी इलार्जमेंट है, जैसे इलार्जमेंट इसका लैरिंक्स इसे हम कहते हैं लैरिंक्स कहते हैं बिलो द फेरिंक्स। यकीनन जैसे हमें जैसे पता है थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है लैरिंगो लैरिंगो फेरिंक्स रीजन है, लैरिंगो फेरिंक्स के बाद फेरिंक्स रीजन आता है, तो ये किससे बिलो द फेरिंक्स रीजन है, और लैरिंक्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लैरिंक्स बनी हुई किसकी है मसल्स एंड कार्टिलेज की बनी हुई, लैरिंक्स मसल्स भी है प्लस में कार्टिलेज है, और वन ऑफ द कार्टिलेज उसका नेम है एपिगिलाटिस, और एपिगिलाटिस के अंदर जो है खास कार्टिलेज होता है एपिगिलाटिस गिलाटिस, उसमें कार्टिलेज का एक टाइप है इलास्टिक लीफ शेप एक फ्लैप होता है जिसे हम कहते हैं एपिगिलाइट स्टेट, इस अपराइट की मीनिंग होती है एलिवेटेड पोजीशन में रेस्ड पोजीशन में पास होती रहे, अलाउस एयर टू एंटर इनटू द लैरिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे एपिगिलाटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होगा रेस्ड पोजीशन में होगा अपराइट पोजीशन में होगा, ताकि इसमें जो लाइक एयर जो है फेरिंग्स से लैरिंग्स एलिवेटेड इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, उसकी वजह से एपिगिलाटिस
डाउनवर्ड प्रेस होता है, ये कब? जब सॉल्विंग मैकेनिज्म होगी, उसके अलावा हमेशा ये अपराइट होता है, एलिवेटेड पोजीशन पे होता है। यही सेम पॉइंट्स हमने सॉल्विंग मैकेनिज्म में भी पढ़े हैं। सॉल्विंग मैकेनिज्म में भी डिस्कस किया है कि टिपिंग लॉटिस हमेशा एलिवेटेड पोजिशन में होगा, अपराइट होगा, ताकि एयर ट्यूब जो है उसके अंदर एयर पास होती रहे, लॉटिस ओपन होता रहे। और जब भी जैसे सवाल में करेंगे तो लैरिंग्स थोड़ी सी रेज होती है, एडिपिंग लॉटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, तो इस वजह से जो है लैरिंग्स यकीनन उसका जो ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं गिलाटिस जो है वो क्लोज हो जाता है, और फूड जो होता है वो पास होता है किसके अंदर, फूड पास होता है इसोफेगस के अंदर। एज अ रिजल्ट एडिपिंग लॉटिस पार्शियली कवर्स ओपनिंग अप टू द लैरिंक्स। और ओपनिंग का नेम क्या है? इस ओपनिंग का नेम है, यू नो वेरी वेल, ग्लॉटिस है। और ग्लॉटिस को ये क्लोज कर देते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ईयर।